सेवन और भैयू, यहां पर उपस्थित सभी मेहमान, सभी अतिथिगण और सभी बाराती और सभी महानुभाव का मैं आपका दोस्त रतन कुमार दिली स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं सोलंग के परिवार की ओर से। और आज चिरंजीव चेतन विवाहबद्ध होने जा रहे हैं चिरंजीव सौभाग्य कांक्षिणी मिनल जी के साथ। और इस विवाह में आए हुए, दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों का फिर एक बार स्वागत जोर और शोरों के साथ। बहनों भाइयों, आप श्रीमान के आगमन से मन केवल सा हमारा खिल गया। आप श्रीमान के आगमन से मन केवल सा हमारा खिल गया। कष्ट तो हुआ आपको, मगर गौरव सोलंग के परिवार का बढ़ गया। तो आइए, इस रिसेप्शन में आए हुए सभी दोस्तों और साथियों का स्वागत। बहनों भाइयों, सबसे पहले जब हमारे हिंदुस्तान की ये संस्कृति है, जब भी कोई काम का हम श्री गणेशा करते हैं तो सबसे पहले उस गॉड को, उस भगवान को, उस परवरदिगार को, उस अल्लाह को याद करते हैं। तो आज भी श्री गणेश को याद करते हुए देवा श्री गणेशा लेकर आ रहे हैं सचिन जी। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश। वाराणसी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। वैवाही का उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उसे डरा रे। सिर्फ एक ही ताली सुनने को आई। आप तमाम लोग बैठे हैं और तालियां नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? हंस रहे ना? हमेशा हंसते रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन हमेशा हंसते रहिए। और बनो रहियो, जिंदगी बहुत कम है, इससे लगाव कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा हंसते रहें। बहरहाल बनोर भैया, आइए अब ये श्री गणेश वंदना के बाद बढ़ते हैं आगे और प्रस्तुत करते हैं बड़ा ही सुंदर सा गीत, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही अंबर का मधुर मिलन देखने को है बाराताई। लो आज हमारे अंगना में बाजे हैं प्यार की शहनाई, दुले राजा चेतन जी, दुलनिया चिरंजीव सौभाग्य कांक्षिणी मीनल यहाँ पर आ रहे हैं। बस आप सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ये आंखें जो हैं उन्हीं के इंतजार में लगी हुई हैं। थोड़ी देर बाद उनका शुभ आगमन यहाँ पर होगा और बड़ा ही प्यारा सा माहौल तैयार हो जाएगा। बहन और भैयू, जलगांव शहर, जलगांव जिला और दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों का सालुंग के परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आहा, दो हंसों का जोड़ा आकाश संसार में उड़ान लेना चाहता है। दो हंसों का जोड़ा आकाश संसार में उड़ान लेना चाहता है। पंख मिले उन्हें स्नेह आशीष के, यही उपहार चाहता है। जय बनोर भैयो, इतना सुंदर जोड़ा खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इस सुंदर जोड़े को किसने बनाया सोचता होगा। बहरहाल आइए बढ़ते हैं आगे। बहनोर भैयो, इस खूबसूरत सत्यम शिवम सुंदरम के बाद चले आइए आगे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे नवयुवक, हमारे मित्र, हमारे दोस्त वहाँ पर खड़े हैं,
तकलीफ कष्ट मुझे हो रहा है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कृपया अगर आप बैठ जाएं तो इस कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ जाएगी। यहाँ बैठने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कुर्सियां लगी हैं, कृपया आप विराजमान हो जाइए। बहरहाल बनर भैया, दूल्हे राजा दुल्हनिया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शानदार सजीले कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इस वक्त सेहरा पहने नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो बस दिल दीवाना लगता है। तो आइए बनर भैया, ये खूबसूरत सा गीत ऑर्केस्ट्रा सूरमई शान की ओर से अगली पेशकश, इसे पेश करने आ रहे हैं हमारे होनहार नवयुवक सिंगर सचिन। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बहनों और भाइयों, अब ऑर्केस्ट्रा सुरमई शाम की अगली पायदान पर रखते हैं कदम और सुनते हैं बड़ा ही प्यारा सा मरहूम रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत और बड़ा लोकप्रिय बड़ा सुपरहिट गाना है बनर भैयो। गाना कुछ यूं है, ये रेशमी जुल्फे, ये गाना लेकर आ रहे हैं ऑर्केस्ट्रा सुरमई शाम के संजय जी सूर्यवंशी। और मैं आपसे ये भी कहने जा रहा हूँ कि भोजन शुरू हो चुका है, स्वरुचि भोज का आप आस्वाद ले सकते हैं, भरपेट खाइए भरपूर खाइए, लेकिन उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आइए सुनते हैं संजय जी सूर्यवंशी साहब को। ये रेशमी जुल्फे, ये शल्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शल्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। अब बहनों और भाइयों, अगली अनाउंसमेंट भी सुनने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अगली अनाउंसमेंट मैं इसलिए खास कहने जा रहा हूं बहनों और भाइयों, यहां पर पधारे हुए हैं मुंबई से दूल्हे राजा के जीजाजी के बहुत ही परम मित्र, आपका शुभ नाम है अजय जी शेट्टी साहब। आहा क्या बात है, आप मुंबई से बता रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरह गाना गाते हैं, ये भी हमने सुना है। तो भाई हमने अगर सुना है तो आप भी सुनना चाहोगे, तो आइए अजय जी शेट्टी साहब किशोरदा का सुपर हिट गाना लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे फनकार है बनर भैया, गुल को गुलशन बना देते हैं, गुलशन को गुलिस्तां बना देते हैं,
गुल को गुलशन बना देते हैं, गुलशन को गुलिस्तां बना देते हैं। ये माहिर फनकार कुछ ऐसे हैं जो सन्नाटे को भी आवाज बना देते हैं। अजय जी शक्ति साहब लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो टुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। तरन्नुम है गुलशन तू फसले बहार हो गया, तरन्नुम है गुलशन तू फसले बहार हो गया, संगीत की दुनिया का मदार हो गया। संगीत को क्या इतना आसान तूने, किशोर के हिंदुस्तान का हर नौजवान किशोर कुमार बन गया। बहरहाल आइए बानर भाई, इस खूबसूरत गीत के बाद अब देखिए ये शादी में एक के बाद एक झटके मुझे लग रहे हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे झटके? यूं कि ये शादी, ये दूल्हे राजा चेतन जी और उनके रिश्तेदार सबके सब कलाकार, क्या बात है, वाह वाह। जैसे कि उनकी बहना ने, कविता ने यहाँ पर आकर गाना गाया, और यहाँ तक कि उनके बहना के मिस्टर जो हैं संदीप जी, उनके दोस्त, उनके मित्र यानी शेट्टी साहब ने गाना गाया, और अभी पता चला कि कविता के मिस्टर जो हैं संदीप जी सोनू ने वो भी गाते हैं। आहा, क्या बात है, ओहो। तो आइए बहन और भाइयों, मैं यहाँ पर संदीप जी सोनू ने साहब को आमंत्रित करने जा रहा हूँ सम्मान के साथ, वेलकम। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी।